everyone. Are you ready for lockup? लेकिन ये आपके बड़े भाई का घर नहीं है. That was something. ये मेरी जेल है और यहां होगा अत्याचार का खेल. Are you all ready? Good. So thank you for coming here in this number and first of all, thanks to Ekta for this opportunity. And I think this name should come from you. So, for the first time, a homemade reality show on Alt Balaji and MX Player with the one and only Kangana Ranaut is going to be called Lockup. Whoa! We are going to have Kangana put 16 contestants into prison. Now you have to tell us what you're going to do with them. It can't get bigger than also, this. Also, we will have a celebrity jailer. And I will be hosting the show. But like I said, ye koi ghar nahi hai. Ye ek jail hai. So, yahan pe aapko basic amenities ke liye bhi बहुत सारा टास्क करने पड़ेंगे. यू हैव टू फेस योर टेम्पटेशंस, योर डीमंस, योर इनसिक्योरिटीज एंड रिवील योर डार्केस्ट ट्रूथ्स. और 16 कंटेस्टेंट्स फॉर 72 डेज और उनके सारे सीक्रेट्स होंगे मेरे पास इन फाइल्स. This amazing logo right here in front of you. Now go click, click, click. All right, so here we go. Ek anokhe metaverse ki baat with this amazing game. Play real, win real, ladies and gentlemen. The lock up. शहर है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं भी आपको देख रही हैं. आप खुद एक छोटे से शहर से आई हैं, तो जहां तक बात अगर हम पुराने से लेके करें तो जैसे इतमत चुगताई रही, महाश्वेता देवी रही और बहुत से अगर अभी भी हम ले तो तस्लीम, तस्लीमा नसरीन, मधु किश्वर, सबने जो औरत की बंधी बंधाई छवि है उसको तोड़ने की कोशिश की और नारीवाद को नए तरीके से, अपने तरीके से परिभाषित करना चाहा. आपने भी ये एक परंपरा जो थी उसको अपनी बेबाकी से तोड़ा. तो इसको जो आपने जो इस चीज को तोड़ा उससे कहीं आपको तकलीफ हुई और आपका क्या मकसद था एक इस तरह का जो विद्रोह है और जो विद्रोह वाली छवि है औरत की वो लाने के लिए? देखिए, जब किसी भी सोसाइटी में आप देखते हैं अगर एक तरह का अनफेयर ट्रीटमेंट या उसको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड है अत्याचार, इट्स लैक ऑफ, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, जो बढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो वोल्केनोज उठते ही हैं. तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड कह लीजिए, कन्वेंशनल फैमिली सिस्टम में ट्रैप थी, सोसाइटी में ट्रैप थी. इसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तार में हमेशा बात की है और किस तरह से मेरे लिए अलग रूल्स थे घर में, बॉयज़ के लिए अलग थे, चाहे वो
एवरी चॉइस, चाहे वो कितने बजे मार्केट जाना हो, किस तरह के कपड़े पहनने हो या फॉर वट एवर. तो आई थिंक ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है जो हर नारी के अंदर हमेशा आप देखते आए हैं, चाहे वो आपकी माता हो या आपकी दादी हो या आपकी बहन हो. और कहीं ना कहीं या तो पता नहीं ईश्वर आपको चुनता है या आप खुद वो बनते हैं, एक एक फेस बनते हैं आप उसका. Also another question for Ekta and Kabir. Given the amount of FIR word was mentioned on the stage, was that a programming plan to make it more controversial, to make that noise needed? In the last 2 years, I don't know one celebrity who's not heard the word legal, FIR. So, I mean, maybe it was in the back of our heads that we are coming up with a reality show that is about putting people in prison, because prison, bail, FIRs, legal fees. So the doctors and the lawyers were the only ones happy in the last 2 years. So frankly, and a lot of respect for the doctors and a lot of fear for the lawyers. So ek baat to sahi hai ki ye ek word jo hai na, ये छोटे से छोटे कस्बे में, छोटे से छोटे जो शहर में, नॉर्मली भी आपको सबसे बड़ी धमकी अगर कोई देना चाहता है वो ये होता है, लॉकअप में डाल दूंगा, लॉकअप में डाल दूंगा, तेरे पे एफआईआर निकालूंगा. तो ये जो है ना एक मासी रियलिटी शो है फॉर भारत, फॉर इंडिया. क्या है, हम बॉम्बे में रह के इंडिया को भूल गए हैं, और भारत के शोज भारत के लोगों से बनने चाहिए. सो फॉर श्योर इट वॉज अ रियलिटी शो दैट टू पीपल क्रिएटेड ऑन देयर ओन, और दो लड़कों ने बनाया और हमने बोला कि हम यही बनाएंगे, क्योंकि क्यों जाके इंटरनेशनल फॉर्मेट्स खरीदे जब हमारे देश में इतना टैलेंट है. अब थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी आएगा, थोड़ा सा डर भी लगेगा, और ये वर्ड जो हमने बहुत 2 साल से इतना सुना है अब हमारे जहन में बैठ गया है, और हमारे एंकर पे भी बहुत सारे FIRs हैं. सो सॉरी बट ये वर्ड हम कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं, बट फॉर वॉट एवर पर्सनली आई एम सपोज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज मेरे मॉम डैड बहुत डर रहे हैं कि मैं ये शो लॉन्च कर रही हूँ. बट आई ऑलवेज से डर के आगे जीत है और जीत के आगे जितेंद्र. Hi, Kangana, Sana from Indian Express here. Firstly, tell me, do you attract controversies or controversies attack you? Because this is such an interesting project to make your digital debut with. And the second question is, as a celebrity, as an actor, many would want to step out from the controversial image, but you've maintained that, be it your tweets or FIRs, as you rightly mentioned on the stage. Does it get disturbing emotionally, personally, mentally, when you are facing so many controversies? Or have you accepted that this is part and parcel of your life? Sana, I think both the questions are quite similar, right? About controversies. First was just an observation. Whether do I attract them or whether, you know, they attract me. Hi Karan, my question is for you. So MX Games has gained popularity and has ranked as number 5th. So do you have any plans for lockup for the gamers universe? Yeah, that's a first. Thank you for the question. That's out of left field from all of what we've been discussing. But I think, you know, let me answer it in two ways. Ek to, you know, we are fortunate to have reach. We've been talking about Made in India. We've been talking about small town India. We've been talking about Bharat. And I think the one thing that we bring to the table over here is our reach. हमारे 100 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं. 30 करोड़ हमारे मंथली यूजर्स हैं इंडिया में, 30 करोड़, दैट्स अ वेरी वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री. सो फॉर समथिंग लाइक दिस टू गो देयर, इट रिक्वायर्ड समवन लाइक कंगना टू स्टेप अप, इट समवन लाइक एकता टू मास्टरमाइंड दिस, एंड वी हैपन टू बी इन द राइट प्लेस एंड टू प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू डू इट, विच वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट. और एज यू सॉ लॉकअप गेम की बात करी है, तो ये जो शो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम ये रियलिटी शो एक्चुअल रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है. हमारे पिछले 2 साल की रियलिटी, आई थिंक टू थिंग्स हैव बीन सेड टुडे इन ऑल द कॉन्वर्सेशन दैट हैव रियली स्ट्रक मी. वन इज समथिंग दैट एकता सेड, विच वाज के लिसन, इट्स बीन 2 इयर्स, हम सब बेसिकली घर में बैठे हुए हैं, लॉक्ड अप हैं. मतलब अब घर में बंद होना इज नो लॉन्गर इनोवेटिव, अब जेल में जाना होगा. द सेकेंड थिंग इज समथिंग दैट कंगना जस्ट सेड, लाइफ इज चेंजिंग, culture is changing. What was
always about fantasy is becoming a little bit more about reality, right? Transparency, honesty, reality. And we want to give our consumers, whether via watching, interacting with a live stream, predicting, playing along, participating in a game, all these avenues to do it. So you see this on MX not just as content, as an episode, but iske aap live streams bhi dekhenge, iske aap entire gaming avatar dekhenge, some of which you saw today. But that is something that we do bring to the table. Gaming is a very important part of our business. And by the way, I have to tell you, as in India, I guess, pata nahi kitne logon ko pata hoga ki nahi hoga, time spent on gaming is actually 2x of watching. Absolutely. So it's a very, very important part of this. Hi, Nikhil. So my question is for you. This concept is very home ground reality. So kaisa aapko lagta hai ki ye appeal karega to the Indian audience? How will it diverse? You're saying it's homegrown reality. Yeah. So, look, I think Ekta said it, right? It is something. We are one of the world's largest entertainment businesses. Hamari film industry, obviously TV to itni purani hai nahi, but film industry hamari 100 saal purani to ho gayi hai. 100 se jyada actually, 120 saal to ho gaye honge. Jab se Hollywood mein picture banni shuru hui thi, tab se Bollywood mein bhi ban rahi hai. Indian TV industry bhi, effectively speaking, 25 saal se upar to ho gaye hai. Almost 30 saal hone wale hai. There you go. All 28 saal ho gaye hain with Ekta herself. So I think it's about time ke hum jaake kuch is scale pe kare. I think humne, very honestly speaking, film industry mein kuch picture hain jo breakout kar chuki hain to different parts. But this, by the way, ye jo agar concept chal jaye, which we are very, very positive that it will, imagine iska kya ho sakta hai outside of India. Right? Aaj kal countries like Israel, very, you know, country that is probably a country of about 9 million people, give or take, is creating content and exporting it to, you know, 50 different countries in terms of formats, right? India se formats kyun nahi ja rahe hain, right? We have the talent, we have the capital, we have the platforms, to kyun nahi ja rahe hain? So I think it needed someone to step up and say, ke, haan, hum karenge, hum iske correct ingredients dalenge, hum isko promote karenge, aur hum ये हम ये क्लेम करेंगे कि एक्चुअली वर्ल्ड वाइड ओटीटी इंडस्ट्री में, डिजिटल इंडस्ट्री में हमने पहले किया है. एकता जी, जब इवेंट शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है लॉकअप की बात हो रही थी या फायर की बात हो रही थी, इससे जाहिर होता है कि इससे डर आपको नहीं है, कंगना जी को भी नहीं है. और शो का टाइटल भी जब अनाउंसमेंट की बात हो रही थी तो फियरलेस था, तो किसी भी चीज़ से डर तो है नहीं. कुछ ऐसा है आप दोनों को जिस चीज़ से डर लगता हो आपकी लाइफ में? आप दोनों अपना अपना बताइए. मुझे अंधेरे से डर लगता है, कोरोना से डर लगता है, अब हट गया, हो गया. और सबसे बड़ा डर लगता है कि मैं बोर हो जाऊंगी लाइफ में. बोर नहीं होना है. और लाइफ बहुत ही, लास्ट 2 साल में बोरियत हमको सिखा कर गई है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ नया नहीं करोगे तो ज़िंदगी कुछ नया करके आपको घर में बिठा देगी. That's a very good observation. That's wonderful, huh? That is amazing observation.